बिहार की बेटी ने किया कमाल, पापा के साथ मिलकर रच डाली इतिहास। कोरोना से लड़ने के लिए पेश किया नई मिसाल। रोबोट का आविष्कार कर की नई क्रांति। रोबोट डॉक्टरों की कमी को करेगा पूरा। हर ओर हो रही है बिहार के बेटी की तारीफ। बिहार के अस्पतालों में लगातार डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ की कमी देखी जा रही है, लेकिन बिहार सरकार भी अपने स्तर से उन कमियों को दूर करने की कोशिश लगातार कर रही है। लेकिन इन सब के बीच पटना की इंजीनियरिंग की एक छात्रा ने अपने पिता के सहयोग से एक मेडी रोबोट को तैयार किया है। ये वही मेडी रोबोट है जो उस छात्रा ने अपने पिता की मदद से तैयार किया, और हमारे साथ छात्रा आकांक्षा और उनके पिता योगेश जी दोनों ही मौजूद हैं। पहले तो आकांक्षा से बात करेंगे, इस रोबोट का आपने बनाया क्या मकसद था? तो अभी क्या हो रहा है कि जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उन लोगों के लिए रिस्क सबसे ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं पेशेंट के। तो हम लोगों ने ये रोबोट बनाया ताकि वो पेशेंट और डॉक्टर के बीच एक ब्रिज की तरह काम करे, और डॉक्टर को बिना गए हुए पेशेंट के पास बिना कॉन्टैक्टलेस तरीके से उनकी सारी टेस्ट कर सके, सारा जाँच कर सके, सब कुछ कर सके। तो क्या, क्या काम है? तो ये रोबोट बेसिकली, तो जैसे जितने नॉर्मल रोबोट्स के फंक्शन होते हैं, जैसे कि सैनिटाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन में होता है खाना पहुंचाना, पानी पहुंचाना, दवा पहुंचाना, तो वो सब चीज़ तो करता है। साथ में क्या करता है कि सबसे खासियत है कि इसमें कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स है, तो ये जितने भी वाइटल टेस्ट होते हैं पेशेंट के, जैसे कि ऑक्सीजन लेवल, पल्स लेवल, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, हार्ट कंडीशन, लंग कंडीशन, ये सब कुछ इससे मेजर कर लेता है। फिर इसमें कैमरा है जिसके थ्रू सर्विलांस होता है। फिर इसमें टू वे वीडियो कम्युनिकेशन की सुविधा है, जिससे डॉक्टर पेशेंट को देख सकता है, पेशेंट डॉक्टर को देख सकता है। इसमें ऑक्सीजन कैंस लगे हुए, कोई इमरजेंसी हो गया तो कोई इस पर उसको भी यूज़ कर सकता है। साथ ही नेबुलाइजेशन हो सकता है, वेट मेजर हो सकता है, तो एक ही रोबोट में सारी चीज़ें हो सकती है। कितना समय लगा है इसको बनाने? समय तो जैसे अभी बन तो क्या टाइम लगा बनाने में, क्योंकि इसका 2-3 मॉडल बना, क्योंकि धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। पहले कुछ बना, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, फिर उसका सेकंड मॉडल बना, तो हाँ 3-4 महीने लगे थे, बट अब ये कम्प्लीटली रेडी है। पिता का सहयोग भी मिला? हाँ हाँ, साथ में ही हम लोग बनाए थे। तो देखिए, हमारे साथ आकांक्षा के पिता योगेश जी भी मौजूद हैं। सर, ये रोबोट आपने बनाया है, काफ़ी प्रशंसा हो रही है। अच्छा लगता है, और ख़ासकर अगर बच्चे इस काम को कर रहे हैं तो और भी अच्छा लगता है। मेरा शुरू से इसमें इंटरेस्ट रहा है, इस फील्ड में। बेसिकली ऐसे तो मेरा स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड है, बट मेरा हॉबी रहा है, और उस हॉबी को ये इस लेवल पे लेके आ गई, ये मेरे लिए बहुत प्राउड का बात है, बहुत खुशी का क्षण है। रोबोट का आगे उपयोग किसी और मेडिकल क्षेत्र में कर सकते हैं? ये देखिए, हम लोग जब लास्ट जो ये था कोरोना का जो वेव था, उस समय इसको प्लान किए थे, लेकिन उस समय क्या था कि जब तक डेवलप करते तब तक कोरोना थोड़ा सा डाउन हो चुका था, और उसके बाद हम लोग इसको कमर्शियल यूज़ में लाना चाह रहे थे। इसको हम लोग टेलीमेडिसिन सेक्टर, एक बहुत बड़ा सेक्टर है मार्केट में, जिसका बहुत ज़्यादा स्कोप भी है। टेलीमेडिसिन का मतलब ये है कि जैसे आप बिहार के रूरल एरिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है, तो ये रोबोट अगर आप किसी सब डिवीज़न में, ब्लॉक में रख दीजिए, और ये दूर से बैठे बैठे कोई भी डॉक्टर वहाँ के पेशेंट को देंगे, उनको पटना आने की जरूरत नहीं है या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। ये विदेश से भी अगर कोई डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट कराना चाहें, दिखाना चाहें, तो जो बेसिक पैरामीटर, ये नहीं कि आप सारा चीज़ तो नहीं कर सकता है, लेकिन आप अगर किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जो बेसिक एग्जामिनेशन होता है वो ये करता है। तो उसके उस रूप में हम लोग इसको डेवलप कर रहे थे, और इसका पेटेंट का भी प्रोसेस चल रहा है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जब हम देखे कि डॉक्टर बहुत संख्या में संक्रमित हो रहे हैं, डॉक्टर और हेल्थ केयर पर्सन, मतलब नर्स और सबकी बात हम कर रहे हैं, और केवल संक्रमित नहीं हो रहे हैं, वो उनका डेथ भी हो रहा है, जो बहुत मतलब अपॉर्चुनेट है। तो उसमें क्या था कि हम लोग को लगा कि नहीं, यही समय है कि इसको हम लोग देश की सेवा में लगा दें। क्योंकि हमारा ये कहना है कि आप देखिए, फर्स्ट जो वेव था कोरोना का,
कुछ चीज़ों की कमी थी हमारे यहाँ, जैसे पीपीई किट था, मास्क अच्छे क्वालिटी का मास्क था, वेंटिलेटर था, लगभग समस्या वो ख़त्म हो गई। दूसरे वेव में जो ऑक्सीजन बेड और दवा की जो प्रॉब्लम है, ये भी लगभग ख़त्म होने की स्थिति में अब सामान्य हो गया है। लेकिन आगे जो समस्या आ रही है डॉक्टर की, डॉक्टर का डेथ हो रहा है, वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं, वैसे में क्या है कि डॉक्टर का मनोबल भी टूट रहा है, उनके साथ काम करने वाले किसी डॉक्टर का डेथ हो जाए। और हम लोग आप लोग क्या है कि कभी कभी एक्सपोजर होता है, मास्क लगा लिए, आप सोचिए कि उस डॉक्टर के बारे में जो पूरे ड्यूटी आवर में वैसे पेशेंट के कॉन्टेक्ट में है, उनके संक्रमित होने की संख्या मतलब बहुत ज़्यादा संभावना है। और वो क्या है कि अगर डॉक्टर नहीं रहेगा फिर सारा हॉस्पिटल, सारा संसाधन बेकार। आप आज भी पेपर में पढ़ेंगे कि पटना के कितने सारे डॉक्टर का डेथ हो रहा है, डेथ रेशियो पटना में सबसे ज़्यादा है डॉक्टर का। और अभी बिहार सरकार ने एक बहाली के लिए कोशिश की थी कि हाँ वॉक इन इंटरव्यू के लिए आइए, उसके लिए भी डॉक्टर टर्न अप नहीं हो रहे हैं। तो उस समस्या को देखते हुए हम लोग सोचे कि कमर्शियल बहुत कुछ किया जा सकता है, अभी इसको हम लोग देश सेवा में लगा दें। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये पेशेंट का एग्जामिन करता है। अभी जैसे आपको हॉस्पिटल में आप देखे होंगे कि शिकायत होती है कि डॉक्टर तो आते ही नहीं है, किसी भी पेशेंट को लगता है कि डॉक्टर से अगर कम्युनिकेशन हो जाए तो बहुत अच्छा है। अब चलो लाइव नहीं आ रहे हैं, बट वीडियो में ही अगर डॉक्टर देख रहा है, उससे बात कर रहा है, डॉक्टर पेशेंट को देख रहा है, तो पेशेंट को भी एक तसल्ली होती है। कई डॉक्टरों ने भी इस रोबोट की सराहना की और पटना के प्राइवेट अस्पतालों में इससे काम नहीं। हम लोग जब इसको आगे बढ़ाए तो जाहिर सी बात है कि फीडबैक की ज़रूरत थी, और हमारे जो माननीय मंत्री हैं पटना के सांसद रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने भी कहा था कि इसका आप पायलट प्रोजेक्ट करके लाओ तो फिर आगे हम देखते हैं। तो पटना के 3 बड़े हॉस्पिटल में हम लोग इसको दिखाए और वहाँ से जो फीडबैक मिला उसको फिर हम इसमें इंक्लूड किए, जिसे और भी इम्प्रूव कर गया। जैसे इसमें एक ई प्रिस्क्रिप्शन की सुविधा है, हम लोग जिस तरीके से QR कोड से स्कैन करके पेमेंट कर रहे हैं, उसी तरीके से वो ई प्रिस्क्रिप्शन है कि वो पेशेंट का सारा हिस्ट्री पेशेंट के बेड के पास एक कोड में लगा रहेगा और ये स्कैन करके फिर उसका पूरा हिस्ट्री डॉक्टर को दे देगा, हर पेशेंट का अलग अलग। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये डेटाबेस भी बनते जा रहा है, जब वो पेशेंट का टेस्ट कर रहा है तो उसका एक डेटाबेस भी बनाते चला जा रहा है, तो वो फ्यूचर में उसके ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। संक्रमित हो रहे थे डॉक्टर लगातार, उस संक्रमण को रोकने के लिए भी ये कारगर साबित होने वाला है और आने वाले वक्त में इसका उपयोग पटना के अस्पतालों में भी होगा। निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना।